गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में यूनिट सिक्स का जो पार्ट वन है, जो पोएम है, वो आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, ओपन द टेक्स्ट बुक एंड यूनिट सिक्स ट्रेंस। ट्रेंस बच्चों आप सभी ने देखी होगी, तो आप यूनिट सिक्स पर जो पार्ट वन है उस पिक्चर में हम ट्रेन देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कुछ बच्चे ट्रेन में बैठे हैं, कुछ व्यक्ति है वो ट्रेन में है, और जो ट्रेन है उसकी जो पटरी है वो हम देख सकते हैं कि नीचे से एक नदी है रिवर्स, उसके ऊपर से भी जाती है, और हम देख सकते हैं कि जो माउंटेन्स है, जो पर्वत है, वहाँ से वो आती है। तो बच्चों, हैव यू ट्रैवल ऑन अ ट्रेन? ट्रैवल मीन्स सफ़र करना। तो क्या कभी आपने ट्रेन में सफ़र की है? रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम। तो आप ये जो पोएम है वो रीड कर सकते हो और एन्जॉय कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको ये पूछती हूँ कि कभी आपने ट्रेन में सफ़र की है? तो बच्चों, अब जो ट्रेन की सफ़र है वो नॉर्मल हो गई है, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो सफ़र की होगी। हमें बहुत अच्छा लगता है ट्रेन में। तो बच्चों, आज हम ये पोएम सीखेंगे ट्रेन्स। ओवर द माउंटेन्स ओवर द प्लेन्स। ओवर मीन्स बच्चों ऊपर से, माउंटेन्स मीन्स पर्वत, जो हाई जो हिल होती है, माउंटेन मीन्स पर्वत, जो हाई हिल। तो हम बच्चों इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है वो वहाँ से आती है। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स बच्चों मैदान, जो मैदान होता है वहाँ से हम देख सकते हो आती है। ओवर द रिवर्स, तो आप देख सकते हो एक जो रिवर्स है उस पर जो पुल है, पुल पर से वो ट्रेन आती है। हियर कम द ट्रेन, सभी ट्रेन वैसे ही आती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मीन्स लाना उठाना, पैसेंजर्स जो मुसाफिर होते हैं बच्चों, हम एक जो स्टेट से दूसरे जो स्टेट होता है वहाँ जाते, एक सिटी से बीजी जो सिटी यानी कि शहर में जाते हैं, तो जो जो भी इस ट्रेन में बैठता है उसको पैसेंजर कहा जाता है। तो पैसेंजर बच्चों बस में भी होते, ट्रेन में भी होते, प्लेन में भी होते। कैरिंग मेल्स, वो पैसेंजर तो लाती है, साथ साथ में जो पोस्ट की जो सर्विस होती है, यानी कि हम गुजरात से है और कोई यूपी से हो, महाराष्ट्र से हो, हैदराबाद से हो, तो वहाँ से कोई मेल करता है, कोई लेटर लिखता है, तो सभी जो लेटर होते, सभी जो कुरियर होते, सभी जो पत्र होते वो ट्रेन में आते। Bringing their precious loads, precious means very valuable, means कीमती सामान। तो बच्चों ऐसी जो कई जो things होती है, कई जो कीमती वस्तुएँ होती है जो ट्रेन में आती है। यदि आप पालमपुर जा रहे हो और जो सिग्नल होता है, सिग्नल जो बंद है, तो वहाँ जो कुरियर की ट्रेन जाती है, तो आप बड़े बड़े अक्षर में जो लिख वाला है यानी कि लिख कर वो देते, उसको हम देख सकते, यानी कि कुरियर वाला है, यानी कि कोई भी वस्तु है आप वो दे सकते हैं। इन विदाउट फेल, यानी कि हमें कोई भी चिंता नहीं होती कि वो नहीं आता, फेल मीन्स नासी पास, तो वो नहीं आता, ऐसे हमें कोई भी चिंता नहीं होती, और जो ट्रेन वो सेफ्टी वाली है और उसमें पैसेंजर्स मीन्स टूरिस्ट होते हैं, ट्रैवलर होते हैं, मेल मीन्स पोस्ट की जो सर्विस होती है, जो पत्र होते, जो डाक होते, उसको कहा जाता है। प्रीसियस मीन्स वेरी वैल्यूएबल मीन्स जो कीमती सामान होता है उसको प्रीसियस लोड्स कहा जाता है। इन विदाउट फेल, यानी कि कोई दिक्कत के बिना जो ट्रेन होती है वो पैसेंजर को लाती है, मेल को लाती है, और प्रीसियस लोड्स मीन जो कीमती सामान होता है उसको भी लाती है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंट कार्स, फ्रेंट मीन्स
चलती रहती है, यानी कि मालगाड़ी, सॉरी मालगाड़ी को कहा जाता है। तो हजारों मालगाड़ी में वो होती है और रशी, और वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है थ्रू डे एंड डार्कनेस। डे भी होता है, डार्कनेस भी होता है, यानी कि अंधारा भी छवा जाता है, अंधारा भी होता है, डे भी होता है, उजाला भी होता है, फिर भी वो चली जाती है थ्रू डस्क एंड डाउन। तो बच्चों डस्क मीन क्या? डस्क मीन इवनिंग टाइम, जो जो शाम का समय होता है, जो शाम का समय होता है वो इवनिंग टाइम होता है। डाउन, डाउन मीन्स मॉर्निंग टाइम, जो सुबह का टाइम होता है उसको मॉर्निंग टाइम कहा जाता है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। तो जो ट्रेन्स है वो पर्वत से आती है, प्लेन से आती है, रिवर से आती है, और जो सभी से वो ट्रेन्स आती है। तो बच्चों मैं आपको एक बार उसकी उसका जो सॉन्ग है वो सुनाती हूँ, फिर हम बाद में फिर से उनका जो ट्रांसलेट है उसकी जो हम उसको कैसे समझ सके वो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। तो बच्चों मैं आपको जो सॉन्ग सुनाती हूँ इस जो पोएम के बारे में वो आपको सुनना है। Passengers carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Children, join me. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Again. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Look, 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 look at the trains carrying passengers, carrying mail. They bring their precious loads in without. Can you see them? Yeah! Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Over बच्चों मैंने ये सॉन्ग आपको सुनाया तो आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से समझाती हूँ कि ये जो ट्रेन है वो सभी के लिए बहुत जो सेफ जो होती है, मींस जो पैसेंजर भी लाती है, मेल भी लाती है, जो पोस्ट की जो सर्विसेज होती है यानी कि जो कुरियर होता है, जो लेटर होते वो भी लाती है, और जो वेरी वैल्यूएबल जो सामान होता है वो भी लाती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन। वो जो ट्रेन है तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो
पर्वत से आती है, मैदान से आती है, नदी से आती है और सभी से वो आती है। कैरिंग पैसेंजर्स कैरिंग स्मेल, वो पैसेंजर को लाती है। बच्चों पैसेंजर मीन्स टूरिस्ट को कहा जाता है, ट्रैवलर को कहा जाता है, यानी कि जब हमारी छुट्टी होती है, दिवाली वेकेशन होता है, समर वेकेशन होता है, तो हम घूमने के लिए जाते हैं, तो हम एक जो शहर से बीजे जो शहर में जाते हैं, यदि एक जो स्टेट से बीजे जो स्टेट में जाते हैं तो हम पैसेंजर होते हैं, तो वो पैसेंजर लाती है। कैरिंग मेल्स यानी कि हमारा कोई रिलेटिव कहीं भी रहता हो तो जो प्लेटर होता है, जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है, वो जो हमें भेजना चाहता हो, यदि हम उसको भेजना चाहता हो तो हम ट्रेन के जरिए यानी कि पोस्ट से हम वो भी लाते हैं। ब्रिंगिंग देयर प्रीशियस लोड, ऐसी कोई वेरी वैल्यूएबल कोई वस्तु है, थिंग्स है, वो भी हम लाते इन विदाउट फेयर, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंट कार्स, फ्रेंट कार मीन्स जो मालगाड़ी है बच्चों, हम देख सकते हैं कि सभी जो चीज़ें सभी जो वस्तुएं वो हमारे जो स्टेट में नहीं होती है, नहीं बनती है, तो हम दूसरे जो स्टेट होता है वहाँ से हम मंगवाते। यदि पिज़्ज़ा यानी कि अदर कोई हो स्टेट उसको भी हमारी ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम यहाँ से वहाँ ये जो सामान है वो हम सेंड करते हैं, तो हम ये जो सामान है वो मालगाड़ी से देते हैं यानी कि ट्रेन से देते हैं। ऑल रशिंग ऑल यानी कि वो बहुत चलती है। थ्रू डे एंड डार्कनेस में डे और नाइट में भी वो चलती है। थ्रू डस्क एंड डाउन, डस्क मीन इवनिंग टाइम, ये आपके लिए न्यू वर्ड्स होगा तो आप उसको नोट कर सकते हो, वो इवनिंग टाइम कहा जाता है, डाउन मीन्स मॉर्निंग टाइम, तो वो मॉर्निंग टाइम। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम्स द ट्रेन, यानी कि पर्वत ऊपर से आती है, यानी कि हिल से आती है, यानी कि बच्चों हिल से आने का मतलब को हिल से नहीं आती, पर यहाँ जो वे जो होता है वहाँ से वो आती है। प्लेन मीन्स मैदान, मैदान के अंदर से नहीं आती, वो मैदान ऊपर से चलती है। रिवर्स मीन्स कोई नदी के अंदर से नहीं आती बट नदी के ऊपर से चलती है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम ट्रेन, यानी कि वो आती है। तो बच्चों ये जो पोएम है वो जेम्स एस टिपेट नाम का जो पोएट है उसने लिखी है, तो उसके न्यू वर्ड से बच्चों माउंटेन्स, माउंटेन मीन्स पर्वत मीन्स हाई हिल। पैसेंजर्स, पैसेंजर मीन्स ट्रैवलर्स होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, यात्री होते हैं, उसको कहा जाता है। रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदी, बच्चों हम इस जो पोएम में जो पिक्चर है हम देख सकते हैं। प्रीशियस, प्रीशियस मीन्स जो वो कीमती सामान होता है, जो वेरी वैल्यूएबल सामान होता है उसको प्रीशियस कहा जाता है। मेल, मेल मीन्स जो लेटर होते हैं, जो डाक होते हैं, उसको कहा जाता है। प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स मैदान को कहा जाता है। डस्क मैंने अभी समझाया कि डस्क मीन्स इवनिंग टाइम एंड डाउन मीन्स मॉर्निंग टाइम। तो बच्चों आज हम इस जो पोएम सीखी उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम हमारी जो नेक्स्ट अगली जो वीडियो होगी उसमें हम करेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि इस पोएम की जो क्वेश्चन आंसर है इसमें टॉक टाइम है। टॉक टाइम आपको अपनी तरह फर्स्ट ऑफ ऑल करना है, यानी कि डू यू एन्जॉय ट्रेन राइड्स, क्या आपको ट्रेन में ट्रेन की सफ़र करना पसंद है, यानी कि आपको पसंद है तो वो आपको अपनी तरह सोच कर बैठना है। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव टू ट्रैवल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, हाउ वुड यू लाइक टू गो एंड व्हाई, यदि आप कहाँ जाना चाहते हो और उसका जो डिस्टेंस लॉन्ग है तो आप कैसे जाओगे, तो आपको ये आंसर आपको सोच कर रखना है। थर्ड है इफ़ यू हैव टू स्पेंड द नाइट ऑन अ ट्रेन, यदि आपको नाइट
ट्रेन में स्पेंड करनी है, व्हाट वुड यू नीड टू टेक विथ यू, तो आपके साथ क्या क्या होना चाहिए। तो यदि आप ट्रेन में, यानी कि आप पालनपुर से बॉम्बे जा रहे हो और आपका नाइट होल्ड ट्रेन में है, तो आप नाइट के लिए आप क्या क्या लेकर जाओगे। तो आपको अपने पेरेंट्स से, अपने बड़े भाई बड़ी बहन के साथ जो बात करके इसका 3 जो आंसर है वो आपको रेडी रखना है। या और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको कहूँगी। तो बच्चों आज हम यहाँ कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी तो हम यूनिट 6 का पार्ट 1 की जो एक्सरसाइज है 54 पर वो हम करेंगे। थैंक यू।